नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज के इतिहास में। इतिहास न सिर्फ अपने में घटनाओं को समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 5 जून की घटनाओं के बारे में। बात करेंगे उन खास व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया में जन्म लिया, साथ ही उनकी जो इस दिन इस दुनिया को से विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहाँ हम बात करेंगे आज के दिन मनाए जाने वाले खास दिन के बारे में। आज के दिन पूरे विश्व में पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस खास दिन के बारे में। पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल की तरह इस साल भी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ों की अत्यधिक कटाई की वजह से पर्यावरण को पिछले कुछ दशकों में काफी नुकसान हुआ है। इसी की वजह से अब दुनिया भर के इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव देखने को भी मिल रहा है। पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन और बढ़ते प्रदूषण से पूरी दुनिया जूझ रही है। इन गंभीर समस्याओं से उभरने का एकमात्र उपाय दुनिया भर के पर्यावरण को हरा भरा बनाना है। यह तभी संभव है जब लोग पेड़ों के संरक्षण के प्रति जागरूक हो। इसी जरूरत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक पहल की, जिस पर विश्व पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत साल 1974 में की गई थी, जिसे हर साल नए थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की साझेदारी में पाकिस्तान विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी करने जा रहा है। वर्चुअल 5th यूएन एनवायरनमेंट असेंबली के कार्यक्रम में घोषणा करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार और जलवायु परिवर्तन मंत्री मलिक अमीन असलम ने दुनिया भर में पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण को रोकने और इसकी पुनर्बहाली की आवश्यकताओं की बात कही थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1,000 करोड़ ट्री सुनामी पहल के तहत देश में जंगलों के विस्तार और पुनर्स्थापन की योजना बनाई है। यही नहीं, इस कैंपेन में पाकिस्तान मैनग्रोव और जंगलों की पुनर्स्थापित करने, स्कूल कॉलेज पार्क वगैरह सहित शहर के अन्य कई इलाकों में वृक्षारोपण की योजना पर काम कर रहा है। यही नहीं, इस कैंपेन में पाकिस्तान मैनग्रोव और जंगलों को पुनर्स्थापित करने, स्कूल कॉलेज पार्क वगैरह सहित शहर के अन्य इलाकों में वृक्षारोपण की योजना पर काम कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम इस साल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के तहत पेड़ लगाकर या पर्यावरण की रक्षा कर प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करना और इकोसिस्टम पर बढ़ते दबाव को कम करना है। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के बीच पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल इफेक्ट आदि ज्वलंत मुद्दों और इनसे होने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति सामान्य लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्हें हर संभव प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के बाद अब हम बात करेंगे एक और अहम दिन के बारे में, जून का पहला सप्ताह और उसमें भी 5 जून की तारीख। आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक अहम दिन है। आज ही के दिन भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था। तो चलिए जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। पांच जून का पहला सप्ताह और उसमें भी 5 जून की तारीख आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक अहम दिन है। आज ही के दिन भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था। वैसे ये घटना देश के सिख समुदाय के लोगों के लिए एक दुखद घटना के तौर पर दर्ज है। दरअसल स्वर्ण मंदिर सिख समुदाय का सबसे पवित्र स्थल है और वहीं पर सैन्य कार्रवाई में सैकड़ों जाने गई थी। सिखों के इस सर्वाधिक पूजनीय स्थल पर सेना के अभियान को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। दरअसल देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश के सबसे खुशहाल राज्य पंजाब को उग्रवाद के दंश से छुटकारा दिलाना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने यह सख्त कदम उठाया और खालिस्तान के प्रबल समर्थक जरनैल सिंह
भिंडरांवाले का खात्मा करने और सिखों की आस्था के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया। दुनिया भर में बसे सिखों में ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद जून माह में उनके जख्मों को एक बार फिर ताजा कर देती है। पंजाब में आतंकवाद जब चरम पर था व सिखों के बीच सबसे बड़े धार्मिक स्थल हरमंदिर साहिब को आतंकवादियों ने अपनी पनाहगाह बना लिया था, तो इसकी मुक्ति के लिए जो अभियान सेना की ओर से चलाया गया उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि कोई भी असामाजिक तत्व गड़बड़ी पैदा ना कर सके। घल्लू धारा दिवस को लेकर भी पुलिस व सरकार की अपनी चिंता है, जो कि हर बार कुछ चरमपंथी इसी बहाने पंजाब में शांति भंग करने की फिराक में रहते हैं। भले ही इस घटना को कई साल बीत चुके हों, 5 जून 1984 को भारतीय सेना ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, के परिसर में प्रवेश किया था। दरअसल देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश के सबसे खुशहाल राज्य पंजाब को उग्रवाद दंश से छुटकारा दिलाना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने यह सख्त कदम उठाया और खालिस्तान के प्रबल समर्थक जरनैल सिंह भिंडरवाले का खात्मा करने और सिखों की आस्था के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया। बताया जाता है कि 2 जून को हरमंदिर साहिब परिसर में हजारों श्रद्धालुओं ने आना शुरू कर दिया था, क्योंकि 3 जून को गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस था। दूसरी ओर जब दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया तो ये स्पष्ट हो गया था कि सरकार स्थिति को खासी गंभीरता से देख नहीं रही है और भारत सरकार सख्त कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगी। सरकार ने उस समय पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों और बस सेवाओं पर रोक लगा दी। यही नहीं, फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को पंजाब से बाहर कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार ने की। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई। 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान से लगती सीमा को सील कर दिया गया। मंदिर परिसर में रह रहे लोगों को बाहर आने को कहा गया। 5 जून को 7 बजे तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए। लोगों ने बताया कि भिंडरवाले के लोग बाहर आने से रोक रहे हैं। 5 जून 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू हुई। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। फायरिंग में चली कई गोलियां हरिमंदिर साहिब की तरफ से भी की गई। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। 6 जून की देर रात जरनैल सिंह भिंडरवाले की लाश सेना को मिली। 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। मालूम हो कि इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 43 सैनिक मारे गए, जिसमें 3 सेना के अधिकारी थे, जबकि मरने वाले आतंकवादियों और अन्य की संख्या 492 रही। ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज इंदिरा गांधी के सिख गार्डो ने गोली मार कर हत्या कर दी और फिर सिखों के खिलाफ दंगों में कत्लेआम हुआ, जो देश के इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अब हम बात करेंगे एक और अहम दिन के बारे में जो इतिहास के पन्नों में अमर है। कुछ लोग इतिहास में नहीं होते लेकिन खुद अपने काम से इतिहास बनाते हैं और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज कर जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं सीएम योगी के सफर के बारे में कुछ रोचक बातें। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत तथा राजनेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में एक गढ़वाली छत्री परिवार में हुआ था। इन्होंने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यहां के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1998 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और 2014 लोकसभा चुनाव में भी यहीं से सांसद चुने गए थे। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी थे। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं तथा इनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है। अगर इनकी पढ़ाई के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित से बीएससी की परीक्षा पास की थी।
कोटद्वार में रहने के दौरान इनके कमरे से सामान चोरी हो गया था, जिनमें इनके सनत प्रमाण पत्र भी थे। इस कारण से गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने का इनका प्रयास असफल रह गया। इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में पुनः विज्ञान स्नातकोत्तर में प्रवेश तो लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव और उस प्रवेश को लेकर परेशानी से उनका ध्यान अन्य ओर बट गया। 1993 में गणित में MSc की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने ये गोरखपुर आए और गोरखपुर में अपने चाचा महंत अवैधनाथ के शरण में ही चले गए और दीक्षा ले ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बना दिया गया। 2 दिन बाद इन्हें नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। अब अगर इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो 2002 में अप्रैल में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। फिर 2009 में ये 200,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर लोकसभा पहुंचे और 2014 में पांचवी बार एक बार फिर से 200,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर ये सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें योगी आदित्यनाथ से काफी प्रचार कराया गया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव में BJP के राष्ट्र अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ से पूरे राज्य में प्रचार कराया। इन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने रविवार 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ समारोह लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में हुआ। इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बने। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, BJP के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। मंच पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ के बाद अब हम बात करेंगे सुरों के बादशाह मास्टर मदन के बारे में, जिन्होंने बेहद कम वक्त में अपने हुनर के बल पर लोगों के दिलों पर जगह बना ली और महज 15 साल की उम्र में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए जानते हैं मास्टर मदन के बारे में। भारतीय संगीत जगत में अपने सुरों के जादू से श्रोताओं को मदहोश करने वाले गायक तो कई हुए और उनका जादू भी उनके सर चढ़कर बोला, लेकिन कुछ ऐसे गायक भी हुए जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए और आज उन्हें कोई याद भी नहीं करता। उन्हीं में से एक ही ऐसी प्रतिभा थे मास्टर मदन। मास्टर मदन का जन्म 28 दिसंबर 1927 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। मास्टर मदन के पिता सरदार अमर सिंह भारत सरकार के शिक्षा विभाग में काम किया करते थे। उनके पिता की रुचि संगीत में थी और वह हारमोनियम और तबला बजाने में निपुण थे, जबकि उनकी माता धार्मिक विचारों वाली महिला थी। मास्टर मदन के भाई और बहन भी संगीत में काफी रुचि रखते थे। घर में संगीत का माहौल होने के कारण मास्टर मदन भी संगीत में अपनी रुचि लेने लगे। महज 2 वर्ष की उम्र में ही मास्टर मदन ने अपने से उम्र में 14 वर्ष बड़ी बहन से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। इसके अलावा इन्होंने संगीतकार पंडित अमरनाथ सिंह और गोसाई भगवत किशोर से भी संगीत की शिक्षा हासिल की। मास्टर मदन अपने बड़े भाई मोहन के साथ संगीत का रियाज किया करते थे। उन दिनों महान गायक कुंदन लाल सहगल शिमला में रोमांटिगन नामक टाइपराइटर कंपनी में काम करते थे। वे मास्टर मदन के घर अक्सर आया करते थे और उनके बड़े भाई के साथ संगीत का रियाज किया करते थे, जिसे मास्टर मदन बड़े प्यार के साथ सुना करते थे। मास्टर मदन की प्रतिभा से सहगल काफी प्रभावित हुए। कुछ समय के बाद सहगल कोलकाता के न्यू थिएटर से जुड़ गए और उनका ध्यान मास्टर मदन की ओर गया। उन्होंने मास्टर मदन से पेशकश की, जब भी वह कोलकाता आए तो उनसे एक बार अवश्य मिले। मास्टर मदन ने अपना पहला प्रोग्राम महज 3.5 वर्ष की उम्र में धर्मपुर में पेश किया। गाने के बोल कुछ इस प्रकार थे, हे शारदा नमन करो। मास्टर मदन की मनमोहक आवाज का जादू श्रोताओं पर कुछ इस तरह छाया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में उन्होंने ध्रुपद में भी गाने गाए। कार्यक्रम में मास्टर मदन को सुनने वाले कुछ शास्त्रीय संगीतकार भी उपस्थित थे, जो उनके संगीत प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए और कहा, इस बच्चे की प्रतिभा में जरूर कोई बात है और इसे संगीत ईश्वरीय देन है। आज के पहले इतना मधुर गाना कभी नहीं सुना था। पूरे देश में इस बच्चे की प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मास्टर मदन के बारे में प्रचलित यह बात जल्द ही आग की तरह फैल गई।
सारे देश में मास्टर मदन के नाम का डंका बजने लगा, जिसमें मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, मद्रास के चर्चित अखबार द हिंदू ने मास्टर मदन का फोटो अपने अखबार में प्रमुखता से छापा। इसके बाद मास्टर मदन की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और सभी संगीत आयोजक उन्हें अपने अपने कार्यक्रम में आने का न्योता देने लगे। मास्टर मदन अपने बड़े भाई के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाया करते थे। अपने शहर में हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के एवज में मास्टर मदन को 80 रुपए मिला करते थे, जबकि शहर से बाहर हुए कार्यक्रम के लिए उन्हें 250 रुपए पारिश्रमिक के रूप में मिला करते थे। मास्टर मदन की प्रतिभा से प्रख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक भारत भारती में किया है। गर्मी की छुट्टियां मास्टर मदन शिमला में बिताया करते थे। इस बीच मास्टर मदन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिमला के शांता धर्म स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने अपनी मैट्रिक की शिक्षा दिल्ली के रामजस स्कूल से पूरी की और उनकी शिक्षा हिंदू कॉलेज में हुई। पढ़ाई लिखाई के प्रति ध्यान देने के कारण मास्टर मदन का ध्यान वर्षों तक संगीत से हटा रहा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उन्हें यह सब कुछ अजीब सा लगने लगा और उन्होंने अपना ध्यान संगीत की ओर लगाना शुरू कर दिया। मास्टर मदन ने श्रोताओं के बीच अपना अंतिम कार्यक्रम कलकत्ता में पेश किया था, जहां उन्होंने राग बागेश्वरी गाकर सुनाया। उनकी आवाज के माधुर्य से प्रभावित श्रोताओं ने उनसे एक बार फिर से गाने की गुजारिश की। लगभग 2 घंटे तक मास्टर मदन अपनी आवाज के जादू से श्रोताओं को मदहोश करते रहे। श्रोताओं के बीच बैठा एक शख्स उनकी आवाज के जादू से इस कदर सम्मोहित हुआ कि उसने उनको उपहार स्वरूप 500 रुपए भेंट किए। कुछ समय के बाद मास्टर मदन दिल्ली आ गए, जहां वह अपनी बड़ी बहन और बहनोई के साथ रहने लगे। उनकी बहन उन्हें पुत्र के समान स्नेह किया करती थी। दिल्ली में मास्टर मदन दिल्ली रेडियो स्टेशन में अपना संगीत का कार्यक्रम पेश करने लगे। शीघ्र ही उनकी प्रसिद्धि फिल्म उद्योग में भी फैल गई। एक बार एक फिल्म निर्माता ने उनके पिता से मास्टर मदन के काम करने की पेशकश भी की, लेकिन उनके पिता ने निर्माता की पेशकश को यह कहकर ठुकरा दिया कि फिल्म उद्योग में मास्टर मदन के गुणों का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। दिल्ली में मदन की तबीयत प्रायः खराब रहा करती थी। दवाओं से उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह स्वास्थ्य में सुधार के लिए दिल्ली से शिमला आ गया, मगर उनके स्वास्थ्य में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। महज 15 वर्ष की अल्पायु में 5 जून 1942 को शिमला में मास्टर मदन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।